साले पड़वा पड़िया से हमसे क्या मतलब है रे? एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये साला कहीं रमुआ दिखाई नहीं दे रहा है? रमुआ जरूर दिखाई दे। क्यों? अब वो दो चार दिन नहीं दिखाई दे। ऐसी क्या बात हो गई? अरे ठाकुर साहब गौना लेकर आया है। अरे हाँ यार, कभी झोपड़ी में खड़ा होगा। कभी कभी कूके भी मतलब की बात करते हैं। है कर किसी माने में इसका कहना बिल्कुल ठीक। आज जिंदगी में पहली बार इसने मतलब की बात कहा। कल जब मैं रमुआ की झोपड़ी को गया था तो साला ऐसा चपका खड़ा था कैसे कृष्ण कन्हैया की फोटो। तो ये बात है तो झोपड़ी का फरीका उठा के फेंक दो झोपड़ी के अंदर। क्या बताऊं स्वामी, हमारे न जाने कौन से झंझट में पड़े रहते, मेरा ख्याल भी नहीं करते हैं स्वामी। और ताकू कब तक तो मैं तेरी नजर आ रही हो स्वामी। तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे डर लगता है तुम्हारे गांव का रिवाज। बोलो और क्या कह। तुम्हारे गांव का रिवाज कि किसी की डोली जब तुम्हारे गांव को आती है उसकी सुहागरात ठाकुर साहब बनाते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तुम तो जीते जी मरे। ऐसे बोले मत बोलो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने दिल में बैठा लूंगा और दिल में तू बैठा कर लो मैं पाल जा।
सुंदर को आकर बचाए। आप बताओ चोदो, वही दिन हम पूजन आ रहा, तुम करण सिंह का कनक दिह रहा हो। आप बताओ कुंडा हो गया। बोल बोल, बहुत बड़ा माफिया। अरे खून खौल रहा है तुम्हें देखकर, संभाल संभाल। शौरत के कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या कहा ठाकुर? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये हमारे पूर्वजों का हमेशा यही वसूल रहा। हम लोग कभी झूठी थाली में भोजन नहीं करते, क्योंकि रमुआ इसके साथ सुहाग रात मना चुका है। और ठाकुर साहब हम खा देंगे। सारा मुंह न चबा भा करण सिंह, तो फिर साली के क्या पूजा करूं क्या? मैं तो जहन्नुम पहुंच गया, और हमारा ये नियम और वसूल है। क्या अच्छा को? क्यों ना हम इसके दोहे रमुआ के साथ इसको भी भेज दे। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। ऐसे गवाही के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। बहुत ससुरी चपट रही है, ये बात है। बराबर जुबान लड़ाता है, बोलो से महरुआ माता, तुम्हें भी हम इसके साथ भेज देना, क्योंकि बहुत इससे तो है मोहब्बत। हमका दानू कह दिया। संभाल संभाल साले, कुछ करण सिंह ठाकुर, आज तो खून हुए हैं। हमारे पूर्वजों का हमेशा यही वसूल था। क्या वसूल? जो गलत काम करते थे उसका उसी वक्त साबूत मिटा देते थे। इसलिए काम करो, तुरंत ये दोनों बाड़ी चला करके राख कर दो, न रहेगा वास ना बचेगी बांसुरी। इतना डीजे छिड़को। या बात सही, डीजे बधाई ना बहू। डीजे तुम्हारी बुआ क्या कहूना है? डीजल का मतलब नहीं जानते हो, तेल समझते हो रे? है इतना तेल छिड़को ताकि चलने में देर न लगे। ये बात सही, चंद्र मिनट में चल करके दोनों को खाक कर दो। तुरंत इसका बंदोबस्त करो, जरा उस साले को।
की मदद कर रही हो कि ये इन दोनों का खून मेरी लिए। क्या नाम है साले, हमें अंधा बना रहे हो, जबकि सरासर मैंने अपनी आंख से देखा, मारा थाम थाम करके दोनों को, उसके बाद डीजल डाल के सारे छिड़क के जला रहे हो, क्या नाम है तेरा? मैं आपकी ही रियासत कर रही हूं। मेरी रियासत को? हाँ ठाकुर साहब। किसके वहाँ क्या नाम है? मेरे बड़े भाई साहब है सुंदर सिंह, मैं उन्हीं का छोटा भाई, मेरा नाम धीरज है। तो सुंदर का भाई है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। पहाड़ ऊंट के नीचे आएगा? तुम्हारी बुआ आई है ऊंट के नीचे। सुंदर का भाई है, नाम धीरज बता रहा है। ठाकुर बोलो। बहुत अच्छा मौका है, कुछ करो। तो मौके और वक्त और याद है सिराज। क्या बता रहे हैं? ये सिराज दशमे देते हैं, कहा दे भैया हनके जाइ हो, तुमका कोई बचाए? अरे कहा, छोड़ो हर बात को, पहले इससे निपटने दो। क्या कहा? सुंदर का भाई नाम धीरज बताया है, और सुंदर ने हमारे दोस्त से पंगा लिया था। जब इसकी टोली उठाने के लिए आया था तो सुंदरा ही शाला रास्ते में व्यवधान बन गया। अब हम एक तीर से दो शिकार कर देते हैं। जल्दी करो, इसे साले को वो सजा दिलाऊंगा ये भी जिंदगी में सोचेगा किसी से पाला पड़ा था, किससे हमने दुश्मनी किया था। फिक्र मत करो मेरे दोस्त। 99 36 63 92 54। हेलो हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे सर, हम ठाकुर ज्वाला सिंह बोल रहे हैं। सर याद करने का कारण बहुत, अरे एक हादसा हमने इस वक्त देखा है, हादसा ऐसा वैसा नहीं, दिल को कहला देने वाला। हमारी रियासत में इसी वक्त अभी दो कत्ल हो गए। हाँ साहब, अरे एक रामू नाम का लड़का था बेचारा, कल ही अपनी औरतिया का गौना लेकर के आया था, बहुत नेक शरीफ ईमानदार सज्जन इंसान। उसके घर में और कोई नहीं था, गांव वालों ने मदद करके उसकी शादी करवा दिया था। हमारे गांव का एक लुच्चा लफंगा बेईमान रहजन शराबी कवाबी जुआनी अपने आप को शाला धीरज बता रहा है। हम टहलते टहलते जा रहे थे, धाए धाए करके फायर हुआ, मुड़ करके देखा तो रामू और रमुआ की औरतिया दोनों को धाई धाई करके उड़ा दिया। और जब तक हम दूर से आए मौके तक, इतनी देर में डाला फौरन डीजल और फौरन माचिस मार दिया और रास्ते दोनों धल धल जलने लगे। हम और हमारे दोस्त करण सिंह नौकर की मदद से बा मुश्किल से तो हमने आग पर काबू पाया है। मुजरिम को मैंने पकड़ रखा है, हमसे बहुत चिरौरी करता है, कहता है ठाकुर साहब छोड़ दो, लेकिन नहीं, उसे कैसे मैं छोड़ दूंगा, शाम मौके से आ जाइए, मुजरिम को हम आपके सुपुर्द कर दें। अरे भाई रमुआ की झोपड़ी। हाँ सर, थैंक यू, ओके। कहाँ है वो मुजरिम, कहाँ है बाड़िया? दोनों बाड़ी है और सामने आपके मुजरिम बैठे, और ये वही रहा पिस्तौल। बाड़ियों को सील करके पासवानों को ले चिल्ला चले जाओ।
से मिलने के बाद जुर्म इकबाल नहीं किया, जब तक मारोगे नहीं इसको जुर्म तो इकबाल करेगा ही। इकबाल करेगा। बोला नहीं जाएगा, सुबह आप लोगों को पैसा बोल दिया जाएगा। बाल, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम धीरज है। कहाँ रहता है? मैं ज्वालागढ़। ज्वालागढ़ का रहने वाला है? और तेरे परिवार में कौन है? मेरे बड़े भैया है जिनका नाम सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह? और मेरी माँ समन, मेरी भाभी। बाल, तेरी क्या दुश्मनी थी रामू से? क्या वजह है जो तूने रामू और रामू की बीवी का खून? वजह ये साला अपने जुबान से कहां बताएगा? खून होने की वजह मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं? जी साहब। क्या वजह है? ये साला रामू की पत्नी से पहले मोहब्बत करता था। लेकिन अचानक शादी रामू के साथ हो गई। हाँ? इसका प्यार अधूरा रह गया। अच्छा, इसका खून खौल उठा खौल। और कहने लगा, ये तू मेरी पत्नी होकर जिंदगी में नहीं रह पाई है, तुम्हें जिंदगी में किसी की पत्नी होकर तुझे जीने नहीं दूंगा। कुछ हाँ? में आप कबूला हो गया। आप
अच्छे मौके पर आकर के आपने हमारी और हमारे मदद किया है साहब। ये 20,000 रुपए आपको नजराना गिफ्ट के रूम में, क्योंकि इस मौके पर आप आए हैं। हमारे दोस्त की जान को आपने बाल बाल बचा लिया, नहीं तो ये खूंखार हो चुका है, खूनी है। साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैं सच कहता हूँ, पर पिता परमात्मा की कसम खाकर के कहता हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है सर। हराम जाते मेरे सामने, मेरे सामने तूने करण सिंह के खेलवान के ऊपर हाथ डाला, फिर भी बताता है तू निर्दोष है। हराम जा रहा हूँ ज्वाला सैम, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मैं बच गया तो ये दुनिया देखता है, ज्वाला सिंह दुनिया होगी, लेकिन दुनिया में तू नहीं होगा। अब बहुत अच्छे मौके से आगे हुजूर, देखो आपके सामने का ऐसा बौखला रहा था, आपकी नजरों के सामने ऐसा हमें धमकी दे रहा था, मेरा दोस्त, हम आपको 1,00,000 रुपया और देंगे, इस पर इतने मुकदमा ला दो जिंदगी भर जेल से रिहा न हो, इसका छूट जाना हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। साहब खतरा हमारी लंबे लंबे ऐसे ऐसे सारे करे थे, 1,00,000 देने का वादा किया है, तो जिस बात 1,00,000 की गड्डी मेरे कॉर्नर पे पहुंचेगी, मैं इसे वो मार दूंगा, इसका जीव सफेद और लाकब की पार लाल। साहब ऐसा ही होना चाहिए, आपको एक काम और करना होगा, ठीक है, अगर गवाहों की जरूरत पड़ी तो आपको अदालत आना होगा। दर्जनों गवाह बैठे हैं यहाँ पर, जितनी आवश्यकता हो गवाहों की, हम दर्जनों गवाह ला करके आपके थाने में। ये लड़का, लड़का ने कोई गवाही काटे नहीं सकता, नाबालिगा धीरज ने मारा है रमुआ की औरतिया को, तुम लोग तो देखा है ना? अरे ये तो उसका मुझसे मैं बयान करवा लूंगा, तब तक आप हमें नहीं जाकर आ रहा हूं। अरे क्या तुम एक काम करो, हम काम करें साले लौंडे का क्या नाम था, धीरज, धीरज, हाँ, धीरज के मकान पे जाओ, और साला ये अपने भाई का कुछ नाम बता रहा था, सुंदर सिंह, सुंदर हुआ, शाकर, सुंदर से कह दो कि तेरा भाई धीरज इस वक्त इंस्पेक्टर किशन सिंह की कस्टडी में है, अगर वो उसे मिलना चाहता है तो ज्वालागढ़ थाने आकर के मुलाकात कर कर। अरे इसके मकान पे चले जाओ, और मैं तो तलाक थाने जाकर इसका काम तमाम करता हूं। चौकीदार साहब, तुम तो गेट पे थे, हाँ, कुछ नहीं देख पाए हो, सुन रहे थे, सुन रहे थे, 1,00,000 रुपए देने का वादा किया है और जेब भर लिया है, जेब भर ली, और हमको लग रहा है ये धीरज खूनी नहीं है, इस पे इल्जाम लगाया गया है, लगाया गया है, ये है सारे गुलाम, ये तो माता ठाकुर है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, हमें तो सुंदर सिंह के मकान को जाना, मेरे पास ये मजबूरी है, क्योंकि साला ये है सीनियर और आप हम जूनियर हैं, जूनियर हैं, जो कहेगा मुझे करना पड़ेगा वो तो है ही है, ठीक है, हम तो सुंदर सिंह के मकान को जा रहे हैं, जाइए बताइए, मुझसे मिलने गया था, बहुत समय हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया, सुबह से हमारी बाई आंख भी भड़क रही है,